नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है। परीक्षा के नतीजे आ गए हैं 10वीं और 12वीं के, और इसमें जिन जिन बच्चों को सफलता मिली है उनको बधाई, जिनको नहीं मिली है उनको और भी अधिक बधाई। कुछ बच्चों के नंबर ज़्यादा आए हैं, पेरेंट्स ने बहुत सोशल मीडिया पर उनकी प्रशंसा करते हुए बहुत सारे पोस्ट किए हैं, और कुछ बच्चों के नंबर उनके पिता की अपेक्षा के या माताजी की अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए हैं, तो उनके माता पिता इस परिणाम को छिपाने में लगे हुए हैं। और इस तरह से एक मनोवैज्ञानिक खेल हर उस घर में चल रहा है जिसमें बच्चे 9वीं या 10वीं या 12वीं के बोर्ड की परीक्षा दिए हैं। अब इन परीक्षा परिणामों को कैसे लेना चाहिए, ये एक सलाह मैं देना चाहता हूँ, जो मनोविज्ञान के आधार पर एक पत्रकार होने के नाते, जिसने शिक्षा को बहुत अनुभव किया है, अध्ययन किया और मनोविज्ञान को भी समझा है, वो व्यक्ति आपसे कुछ कहना चाहता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि उन बच्चों के लिए ज़्यादा जश्न मनाने का दिन क्यों है जिनके परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए। मैं अपेक्षा के अनुरूप कह रहा हूँ, खराब नहीं कह रहा हूँ। लौट के आता हूँ, बातचीत आगे बढ़ाएंगे। हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप चाहें चैनल को सपोर्ट करना तो भुगतान कर सकते हैं, QR कोड भी स्क्रीन पर दिखाई देगा। मैं अभी हाजिर होता हूँ। आज 12वीं के नतीजे आए हैं, आपके साहबजादे भी पास हुए होंगे, किसी के बच्चे के नंबर कम आए होंगे, किसी के ज़्यादा आए होंगे। सबके ज़्यादा नंबर संभव ही नहीं है। अगर सबके ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, सबके 99% नंबर आ जाएंगे, तो वो ज़ीरो के समान होंगे, क्योंकि जब आप जाएंगे कंपटीशन में भी जाएंगे तो ज़्यादा नंबर वाले की तो इज्जत होगी। एक ज़माने में 60% वाले की बहुत पूछ होती थी, आज आप 60% क्या 70% वाले को कुछ मानने को तैयार नहीं हो, इसका मतलब क्या हुआ? क्या वो बच्चा नाकाम है? एक बार अपने आसपास के लोगों पर नज़र दौड़ाइए, उन लोगों पर नज़र दौड़ाइए जो आपके जीवन में, जिनको आप बहुत कामयाब लोग मानते हैं, चाहे वो सबसे बड़ा फिल्म अभिनेता हो, आपका फेवरेट फिल्म अभिनेता हो, चाहे वो बहुत बड़ा नेता हो, मंत्री हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हो, कामयाब कारोबारी हो, कोई बड़ा अधिकारी हो, IAS IPS हो, आप एक बार पता करिए कि उसकी मार्कशीट में 12वीं क्लास में उसके नंबर कैसे थे। आपको जानकर अचरज होगा कि ऐसा नहीं होता कि सबके नंबर 12वीं में बहुत अच्छे आए हैं, और जितने भी लोग कामयाब हुए हैं वो इसलिए कामयाब हुए हैं क्योंकि उनके 12वीं में नंबर अच्छे आए थे। अव्वल तो इतने सारे लोगों की जब आप पड़ताल करेंगे तो आपके लिए पता करना मुश्किल होगा कि उनके 12वीं में आपके कितने नंबर आए थे। बहुत सारे लोगों को तो याद भी नहीं रहता, और पूरे जीवन में हज़ारों लोगों के इंटरव्यू तो मैं कर चुका हूँ, हज़ारों लोगों के आप लोग कर चुके होंगे, नौकरियों पर रखते हैं, बुलाते हैं, कौन हाई स्कूल के नंबर पूछता है? कौन जानना चाहता है कि आपके 12वीं में कितने नंबर थे, 11वीं में कितने नंबर थे? लेकिन आप उसी के आधार पर एक बच्चे को प्रताड़ित करते हैं। एक बच्चा है, उसने साल भर जैसा कर सकता था वैसा पढ़ा, जितना उसके दिमाग में आया, जितना नहीं आया उसने अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश की। अब उसके नंबर नहीं आए, उसके 40 नंबर आ गए, 30 आ गए, हो सकता है फेल हो गया हो। तो क्या आज का दिन दूसरे बच्चों से उसकी तुलना करके उसको प्रताड़ित करने का दिन है, या आज उस बच्चे को आपका सहारा चाहिए? क्या आज वो दिन नहीं है जब एक बाप को अपने बच्चे से कहना चाहिए, कोई बात नहीं बेटा, चलो पार्टी करते हैं, जो हो गया वो हो गया। और नंबरों की भी अगर आप तुलना कर रहे हैं तो एक बार बेटे की मार्कशीट में झांकिए, किस विषय में नंबर अच्छे आए हैं, कौन से विषय में उसको रुचि ज़्यादा है, मुझे बताइए। ऐसा कौन सा महान आत्मा है इस दुनिया में जो फिजिक्स में भी एक्सेलेंट रहा हो, जो हिंदी में भी एक्सेलेंट रहा हो, संस्कृत में भी रहा हो, अंग्रेजी में भी रहा हो? क्या ये संभव है? जीवन में आदमी एक ही फील्ड में तो आगे जाएगा भाई। देख लो बच्चे की मार्कशीट, जिस विषय में अच्छे नंबर आए हों उसी मार्ग पे उसको आगे जाने दो,
और हो सकता है कि जिस चीज़ में ज़िंदगी में वो सबसे अच्छा कर सकता है उसका ज़िक्र मार्कशीट में हो ही नहीं, उसका ज़िक्र कॉलेज की पढ़ाई में भी ना हो। एक बच्चा बेहतरीन अभिनेता हो सकता है, एक अच्छा क्रिकेटर हो सकता है, एक फुटबॉलर हो सकता है, यहाँ तक कि एक गेमर भी हो सकता है, आजकल ई स्पोर्ट भी करियर है। फिर आप उसको उस पुराने ज़माने की मार्कशीट में क्यों फंसाना चाहते हैं? इस देश में एक सिस्टम आया था, ग्रेडिंग वाला सिस्टम, सतत मूल्यांकन व्यवस्था बनाई गई थी CBSE में। अमेरिका में भी ऐसा होता है कि इस बच्चा पढ़ता है तो साल भर टीचर की नज़र में रहता है, हर महीने हर 15 दिन में वो उसका टेस्ट लेता रहता है, पूछता रहता है, और उसके आधार पर वो रिपोर्ट तैयार करता था कि इस विषय में ये ए ग्रेड है, इसमें ये ए प्लस है, इस विषय में ये सी है, ताकि आपको पता चल सके कि आने वाले समय में मुझे अपने बेटे को किस दिशा में जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आप अपना सोचिए, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो बनना तो कुछ और चाहते थे और पूरी ज़िंदगी गधे की तरह वो काम ढो रहे हैं जो उनको करना ही नहीं था। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मैथ्स में बहुत ब्रिलियंट थे, सरकारी नौकरी मिल गई, वो कोई और काम कर रहे हैं जो कि वो नहीं करना चाहते थे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने साइंस में डॉक्टरेट किया है, वो अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, जो उनका विषय ही नहीं था, उनका शौक ही नहीं था। तो आप कैसे ये मान सकते हैं कि ये जो एक अंक पत्रिका मिल रही है ये बच्चे का भविष्य तय करने वाली है? मैं आपको बताऊं, मैंने एक पूरा इस पर कई बार मैं लिख चुका हूं, मुझे बच्चों से बड़ी संवेदना है, और मैं ये बात ज़रूर कहूंगा कि अपने बच्चों को लेकर ज़रूर ये दिमाग में रखें कि वो भी इंसान हैं, जैसे आपको आलोचना पसंद नहीं है उनको भी नहीं है, आप शक्तिशाली हैं, बड़े हैं, आपकी आलोचना सहने की एक सीमा हो सकती है, हर बच्चा इतना मजबूत नहीं हो सकता कि हम चीज़ों को आपकी बर्दाश्त कर ले। दो बच्चों में भी तुलना करना गलत है, आप दो बच्चों में कैसे तुलना कर सकते हैं? एक बच्चे की हाइट ज़्यादा हो सकती है कि कम हो सकती है, एक का वर्ण कुछ और हो सकता है, दूसरे का कुछ और हो सकता है, एक लड़ने में तेज हो सकता है, एक पढ़ने में तेज हो सकता है, देश को ज़रूरत तो लड़ने वाले की भी और पढ़ने वाले की भी है, एक खाना बनाने में बहुत रुचि रख सकता है, वो मास्टर शेफ़ बन सकता है जिसके आगे पीछे 50 इंजीनियर घूमें, एक बच्चा है जिसकी चिकित्सा में रुचि हो सकती है, वो डॉक्टर बन सकता है, लेकिन दूसरा आदमी मकबूल फिदा हुसैन बन सकता है जिसके ऑटोग्राफ लेने को डॉक्टर साहब घूमते हों। सचिन तेंदुलकर की पढ़ाई क्या थी? मोदी जी करस्पोंडेंस कोर्स से पढ़े थे, उन्होंने अपनी पढ़ाई करस्पोंडेंस कोर्स से पूरी की है, तो क्या वो नालायक हैं? हर विषय पे भाषण देते हैं। हमको समझना पड़ेगा, हम दो लोगों की तुलना नहीं कर सकते, दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते। इसलिए हर रोज़गार सम्मानजनक है, लोग पकौड़े बेचकर भी कई लोग करोड़पति बन चुके हैं, पंक्चर वालों की इमारतें भी होती हैं, वो भी समाज के उतने ही सम्मानित नागरिक होते हैं, और आज का दौर तो और भी अच्छा है जिसमें आप क्या करते हो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप कामयाब हो इतना काफ़ी। निकलिए उस मानसिकता से जो आपके पिताजी से आपको मिली थी, जो आज अपने बच्चों को दे रहे हैं, दो जनरेशन पहले का वैल्यू सिस्टम आप बच्चे पे मत थोपिए। उस ज़माने में ये जो नंबर का सिस्टम बनाया गया था, ये इसलिए बनाया गया था कि गिनती के प्रोफेशन होते थे और सरकार को उन्हीं प्रोफेशन में लोगों को छांटना होता था। मुझे मान लीजिए आपको मोबाइल रिपेयरिंग के काम पर रखना है, 80 लोग आ गए हैं, मैं सरकारी आदमी हूँ, किसको बोल दूँ रखूँगा नहीं रखूँगा, तो मैं आपको कहूँगा तुम कुछ ना कुछ करने का, तो एक परीक्षा का आविष्कार कर लिया अंग्रेज़ों ने कि भैया एक काम करो, उसमें बैठो, इसमें जो ज़्यादा सवाल का जवाब दे देगा उसको मैं उठा लूँगा, कोई मुझसे ये नहीं कहेगा कि आपने चुनने में बेईमानी की। लेकिन जो आदमी ज़्यादा मार्क्स ला के चुना गया है वो अच्छा मोबाइल रिपेयर कर लेगा, ये गारंटी नहीं है, लेकिन ये मेरे चुनने की सुविधा थी कि मैंने उसको चुन लिया। इसलिए नंबर का मार्किंग सिस्टम बनाया गया था। लोग कहते हैं कंपटीशन का ज़माना है, तो किसने बोला भाई कंपटीशन फिर क्यों होता है? अगर आपके हाई स्कूल के नंबर ही काफ़ी हैं, आपके इंटरमीडिएट के नंबर ही काफ़ी हैं, तो उनको कंपटीशन लेने की क्या ज़रूरत है? इसी के बेसिस पे सिलेक्शन कर दें। यूनिवर्सिटीज़ में नंबरों के आधार पर जो
प्रवेश होता है उसको भी अब सरकार ने हटाया, नए सिरे से वो परीक्षा ले रहे हैं, अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होता है। तो ये सारी चीज़ें सोचिए और याद रखिए कि जो बच्चे नौकरी नहीं पा सकते, हो सकता है कुछ लोगों को नौकरी दे रहे हों, जो बच्चे इंटरव्यू में पास नहीं हो सके, हो सकता है वो टेबल के दूसरी तरफ बैठकर लोगों का इंटरव्यू ले रहे हों, और ऐसे में 500 लोगों को जानता हूँ। उदाहरण देना चाहूँगा तो देता चला जाऊँगा, एक बहुत बड़े पब्लिकेशन हाउस के संपादक थे, अंग्रेज़ी की एक जानी मानी पत्रिका के संपादक रहे, उनकी अंग्रेज़ी को पढ़ के लोग सीखते थे, यूपीएससी के एग्ज़ाम देते थे, और उनके बारे में कहा जाता था कि वो तीसरी पास हैं। धीरूभाई अंबानी की पढ़ाई क्या थी? आज बड़ा से बड़ा इंजीनियर, बड़ा से बड़ा प्रोफेसर वहाँ नौकरी करने के लिए तैयार हैं। क्या पढ़ाई थी धीरूभाई अंबानी की, क्या डिग्री थी उनकी, पता कीजिएगा, और कितने नंबर थे। प्रधानमंत्री का मैं आपको उदाहरण दे चुका हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचाइए। ये नंबर बेकार हैं, ये किसी काम के नहीं हैं, यकीन मानिए इन नंबरों का कुछ समय बाद सिर्फ अचार डलेगा, आप में से आधे लोगों को पता भी नहीं होगा कि मैथमेटिक्स में आपके कितने नंबर आए थे, साइंस में आपके कितने नंबर आए थे, SST में कितने नंबर आए थे, और हाई स्कूल में आप कितने परसेंट, शायद ये याद हो तो हो ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन इतना याद नहीं होगा। ज़्यादा नंबर देने वालों को ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, आप कहीं जाते हैं ऐसा नहीं है कि आपके हाई स्कूल में नंबर ज़्यादा थे तो आपकी तनख्वाह ज़्यादा बढ़ जाएगी, इंक्रीमेंट ज़्यादा हो जाएगा। कितने भी बड़े अच्छे पत्रकार हों, सुधीर चौधरी ही एडिटर बनेगा, अब वो एक अलग विषय आ गया, हालांकि इससे अलग है। अच्छे इंसान बनिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, उनका स्वस्थ मानसिक विकास होने दीजिए, सुबह से शाम तक उनकी रेल बनाकर मत रखिए, उनके बारे में कुछ घटिया टिप्पणियाँ करने से बचें, किसी भी प्रकार की चीख चिल्लाहट, कुछ व्यंग्य करना, दूसरों से तुलना करना, दो बच्चों के बीच में तुलना करना, ये सब काम बच्चों को आत्महत्या की ओर धकेलने के हैं। कोई भी बच्चा इस सब को बर्दाश्त नहीं कर सकता, कुछ बच्चे आपकी इन हरकतों के आदी हो जाते हैं इसलिए वो आत्महत्या नहीं करते, लेकिन जो बच्चे संवेदनशील हैं, जो पहले ही प्रेशर में हैं, जो दूसरी सामाजिक खराबियों के कारण बुली का शिकार होते हैं, कोई बच्चा तगड़ा है तो उनको धमकाने की कोशिश करता है, किसी की हाइट ज़्यादा है वो नीचा दिखाने की कोशिश करता है, कोई उनके चमड़ी के रंग के कारण कुछ बच्चे उनको नीचे करने की कोशिश करते हैं, और ऐसे समय में जब आप भी सपोर्ट नहीं देंगे तो क्या होगा। बच्चों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे पिताजी कुछ भी कहें, ये मार्क्स तुम्हारे बेस्ट मार्क्स हैं जो भी तुमको मिले हैं, और उस मार्कशीट का भविष्य में कुछ नहीं होने वाला है। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, और जब पार्टी क्यों देनी चाहिए, पार्टी तब करनी चाहिए जब सबसे ज़्यादा टेंशन हो। आज तो खुशी का मौका है और खुशी मनाने का मौका है, क्योंकि आज हम टेंशन में हैं, टेंशन दूर करेंगे। मम्मी को अच्छे पकवान बना के खिलाना चाहिए, कल से अगले क्लास की तैयारी में लगिए, फेल हो गए इसी की तैयारी में लगिए, पढ़ाई और स्कूली पढ़ाई सब कुछ नहीं होती है, किसी का जीवन इससे बनता है तो वो लोग भी 10-15% ही होते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने बच्चों से प्यार करें, दुनिया के हर बच्चे से प्यार करें, बच्चे टॉर्चर करने के लिए नहीं होते हैं, और अपने बच्चों को टॉर्चर करने की इजाज़त किसी को ना दें, भले ही वो किसी भी सरकार का, सड़ी हुई सरकार का बनाया हुआ कोई भी एग्जामिनेशन का सिस्टम हो। नमस्कार, जय हिंद।